आपकी बेबी का बुखार है, ठीक कर रही हो? ये कैसे ठीक कर रही हो? ये क्या दवा दे रही हो? अच्छा, पूजा हो गई है और अभी शाम की पूजा बाकी है, सुबह की हो गई है। मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, इतना हड़बड़ी रहता नहीं, इतना जल्दी होता है कि मैं, मुझे कुछ नहीं टाइम मिलता है कि मैं कुछ भी अगर शूट कर लूँ। झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, बेटी भी गई अपना स्कूल। अब बेटे को जा रही हूँ, रेडी कर दिया उसको, बेटे को इधर रेडी भी करना था, इधर उसका लंच भी बनाना था, पूजा का भी समय हो रहा था। अच्छा हुआ 12 बजे से पहले पूजा हो गया। अब उसे जा रही हूँ लेकिन नीचे, फिर ये जाएगा स्कूल, फिर मैं जाऊँगी अपनी बेटी को लाने। तो और अभी चाय भी नहीं पिया है, बोलो 11:30 बज रहा है, जस्ट अभी पूजा से उठी, अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। देखो अभी 10 मिनट में निकलूँगी, तो 10 मिनट ना तो मेरी चाय बन पाएगी, बन भी पाएगी तो मैं पी नहीं पाऊँगी ठीक से, इसलिए मैं आने के बाद ही पीऊँगी थोड़ा। तो मेरा चेहरा देखो, आतंकवादी की तरह बना लिया है। चलो बेटा चलो, कम 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 कम, इसका आएगा गाड़ी से जाएगा। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लाने, पीहू को लाने। मैं तो जा रहा हूँ, देख बाय बाय करो। क्या है दिखाओ, क्या लिया है? गांधी जी के 3 बंदर, बिटिया रानी गांधी जी के 3 बंदर लिए है। आप ही हो? मम्मी नाम सुनीत की। ओके। हाँ। लड़की को गर्मी लगने लगती है, सॉक्स निकाल दो, सब कुछ खुद से निकाल रही है। अभी लेके आ रही हूँ इसको। ऐसे नहीं रुकना, आते ही पूरे कपड़े उतारने लगती है। मुझे इतनी गर्मी लगती है कि पंखे चला के बैठी हुई पानी पीऊंगी। तो गाइस देखिए 12 बज गए, अभी लेके आई उसको, अब जा रही मैं पानी पीने। और अब जा रही हूँ चाय बनाने, पहले उसको खाने को कुछ दे दूँ, फिर मैं खुद के लिए चाय बनाऊं। क्या कर रही हो ये? आपकी बेबी का बुखार है, ठीक कर रही हो? ये कैसे ठीक कर रही हो? ये क्या दवा दे रही हो? अच्छा देखूं बेबी को कितना फीवर है, देखूं
अरे बहुत फीवर है, दवाई पिलाओ जल्दी, दवाई पिलाओ, दवाई पिलाओ। हो गया ठीक? हो गई? सुला दो इसे, अब सुला दो। हाँ सुला दो, नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, ठीक है सुला दो उसे, सुला दो, सुला दो। पूरा ओढ़ लोगे? हाँ हाँ ये मेरा है, ये मेरा। हाँ चलो सुलाओ, पिल्लो। हाँ रखो, यहाँ रख दो। हाँ अब सुलाओ, पिल्लो पे सुला रही, पिल्लो पे। अच्छा हमारी बिटिया रानी के बेबी का बुखार है, उसे दवा पिला देती हूँ, सुला रही है ना बेटा? ओके चलो उसे सुला दो, ठोक के सुला दो। हाँ सुला दो। अपनी बेबी को सुलाएगी और मैं अपनी बेबी को सुलाऊंगी, है बेटा? ये देखो उसे सुला रही है, मैं इसे सुला रही, मैं अपने बेबी को सुलाऊंगी। सो जा। हाँ हाँ पहले सो जा, चलो आप सो जाओ। बड़ा बेबी। जाके सोई है, उसको मैंने सुलाया, अब जा रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं तैयार होने, मतलब साड़ी चेंज करने, साड़ी पहनने, रेडी होने। टाइम हो रहा है अभी 4:15 बज रहे हैं, लेकिन मुझे रेडी होते होते पूजा के सारा सामान रेडी करते करते मुझे 5 बज जाएंगे, और फिर उसके बाद से पूजा स्टार्ट करूँगी। वो सो रही है तो मैं कर लेती हूँ, 5:30-6 में मेरा बेटा भी आ जाता है, तो मैं चलो रेडी होकर मिलती हूँ। तो बेटी मेरी सो गई, तो मैं पूजा के बर्तन भी मैं यहाँ पे सब साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करूँगी तो टाइम हो ही जाएगा, 4 बजने वाले हैं। तो पूजा का बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है, और अब बस जस्ट अभी मैं हो जाऊँगी रेडी। और माता जी का जो चौकी है वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, तो बस यहाँ पर सब साफ़ सफाई करके रेडी हो के मैं अब चल रही हूँ पूजा करने। तो गुलाब का फूल ले कर सबसे पहले उनको मैं जल चढ़ा रही हूँ, फिर माँ वैभव लक्ष्मी को कुमकुम का ही तिलक लगती, कुमकुम का ही टीका लगता है, जो लाल वाला कुमकुम आता है वो, पीला वाला नहीं। तो बस अब बेटी आज तो सो गई, रोज़ मतलब हर शुक्रवार को, पिछले गए शुक्रवार जो लास्ट शुक्रवार था उसमें तो मैं कितना कोशिश की इसको कि सो जाए, पर ये सोई नहीं थी, मेरे साथ ही पूजा की थी। पर आज तो मैंने इसको सुला ही दिया, मैंने कहा ये सो जाएगी तभी मैं शांति से पूजा करूँगी, नहीं तो बहुत ही इतना बकबक बकबक करती है ना कि उसके सवालों का जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। और बेटे का भी मेरा आने का टाइम हो जाएगा, अभी 5 बज रहे हैं, वो 5:45 में आ जाता है, तो उसके आने से पहले पहले मेरी पूजा भी कम्प्लीट हो जाती है। बेटा भी आ गया स्कूल से, क्योंकि टाइम भी हो गया उसके आने का, तो और बेटी को देखो दोनों में झगड़ा हो गया, जैसे ही आए वैसे ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब